أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم मोहतरम ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। प्याम सुब के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। आज का दिन सवाल जवाब के लिए मुख्तस है, ये आप और हम जानते हैं। आज हम बुलवाते हैं अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब को और उनकी खिदमत में आपकी जानिब से आए हुए बहुत सारे सवालात रखते हैं और मुफ्ती साहब जवाबात अता फरमाते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन हज़रात, कुछ सवालात हम यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की गलियों में खड़े होकर रिकॉर्ड करते हैं, वो सवालात भी हम रखते हैं क़िबला मुफ्ती साहब की खिदमत में। ख़वातीन हज़रात, आज के हमारे मौजूद मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब। मुफ्ती साहब फारिग़ुल तहसील हैं, दारुल उलूम कराची से एक ज़माने का आपने सफ़र किया है और कई ममालिक में आप खुद गए हैं, आज के मसाइल को अपनी निगाहों से देखा और उनका हल आप पेश करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हमारे वो उलमा जिनकी गुफ्तगू में अहद का लम्स मौजूद है मुफ्ती साहब, उन उलमा में शुमार किए जाते हैं। ख्वातीन हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक और खुसूसी शख्सियत से, और आज की शख्सियत तो हमारे बहुत अहम नात ख्वाह हैं, सना खान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं इस्लामाबाद से। जनाब वाला, मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आज दुनिया टीवी कराची स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम सैयद सलमान कौनैन साहब। सलमान कौनैन साहब, बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार आप तशरीफ़ लाए। सलमान कौनैन साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है, पूरा मुल्क आपकी सना खानी का दम भरता है। एक बहुत मोतबर हवाला और एक बहुत बड़ा हवाला पाकिस्तान के मुमताज़ बल्कि मुमताज़ तरीन सना ख्वान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद मंजूरुल कौनैन साहब के आप साहबजादे। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आपको आला मकामात अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आपको पहुँचाए, आपकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। आगाज करते हैं प्रोग्राम का सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात 36 और 37। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أدغانكم صدق الله العظيم। ये दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है, अगर तुम ईमान रखो और तकवे की रविश पर चलते रहो तो अल्लाह तुम्हारे अजर तुमको देगा और वो तुम्हारे माल तुमसे नहीं मांगेगा। अगर वो कहीं तुमसे तुम्हारे माल मांग ले और सबका सब तुमसे तलब कर ले तो तुम बुखल करोगे, वो तुम्हारे खोट उभार लाएगा। सदकल्लाहुल अज़ीम। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहतरम सलमान कौनैन साहब। ला भी तू
तू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगी न रंग तेरे शौकत संजरो सदी तेरे जलाल की नमो शौकत संजरो सदी तेरे जलाल फकरे जो ने दोबा यजीद तेरा जमाल बेनकाब लौह दी तू कलम शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम शौक तेरा अगर ना हो तेरी नमाज का इमाम मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सजूद भी हिजाब लौह लंबी तू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलमान कौनैन साहब सलामत रहिए सलामत रहिए। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। अल्लाहु अकबर। इकबाल ही कह सकते हैं अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब आगाज करते हैं। पहला सवाल सलीम अहमद साहब का है। वो ये फरमाते हैं कि मुफ्ती साहब मैं नमाज फजर के बाद सूरह वाकया पढ़ता हूँ
मगर मेरी बीवी मुझसे ये कहती है कि सूरह वाकया मगरिब के बाद पढ़ी जाती है, क्या मैं मगरिब के नमाज की नमाज के बाद पढ़ूं या इसी तरह नमाज फजर के बाद पढ़ता रहूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदू नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए सूरह वाकया चूँकि अल्लाह का कलाम है और जैसे अल्लाह के कलाम की हम तिलावत करने के लिए कोई ख़ास वक्त मुतय्यन नहीं है, इसके लिए सूरह वाकया या किसी और सूरत का कोई ख़ास इस तरह से मुतय्यन वक्त नहीं है कि अगर हम फला वक्त पढ़ेंगे तो गलत हो और दूसरे वक्त पढ़ें तो सही हो। ठीक। अलबत्ता बाज़ रिवायात में जिस तरह से जिक्र आता है सूरह वाकया पढ़ने का, तो अगर उन रिवायत को पेश नज़र रख के कोई वक्त मुतय्यन करता है एक आदमी के, सुबह पढ़ना भी ठीक है, दोपहर को पढ़ना भी ठीक है, रात को पढ़ना भी ठीक है, लेकिन रात को कोई ख़ास रिवायत है जिसकी वजह से अफजलियत है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अगर उनकी अहलिया ये बात करती हैं तो गालिबन उनका मकसूद भी यही होगा कि अगर आपको तिलावत करनी है तो अफजल वक्त इसका शायद मगरिब के बाद है या इशा के बाद है, लेकिन फजर के बाद ना करें। तो अगर इस माना में वो कहती हैं, उनके पेश नज़र कोई रिवायत है तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो उसमें भी कर सकते हैं। अलबत्ता फ़ी नफ़्सी कुरान करीम की तिलावत का कोई एक ऐसा वक्त मुतय्यन नहीं है, क्योंकि कुरान करीम में जो सिफत बयान की गई है मोमिनीन की, तो वो यही बयान की गई है कि वो तिलावत करते हैं अल्लाह की किताब की, आना अल्लैल व नहार, तो दिन में भी करते हैं और रात में भी करते हैं। तो इसलिए कोई ख़ास इस लिहाज से वक्त मुतय्यन नहीं करना चाहिए ये समझ के कि दूसरे वक्त में सही है और इस वक्त में गलत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान करीम की ये आयात हैं, किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है। ठीक, यानी चंद ममनू औकात के अलावा। जी ठीक है। रिजवाना साहिबा का सवाल है जहलम से, वो पूछ रही हैं आपसे कि हमारे वालिद के पास बहुत सारी ज़मीन थी, उन्होंने वसीयत की थी कि एक ख़ास ज़मीन पर मस्जिद बनाई जाए, वो ज़मीन बहुत महंगी है, अब भाई ये कह रहे हैं कि हम किसी और ज़मीन पर मस्जिद बना देते हैं क्योंकि ये ज़मीन महंगी है, इसको हम बेच बेच देते हैं, क्या दीन इस बात की इजाज़त देता है कि एक शख्स के मर जाने के बाद उसकी वसीयत को तब्दील कर दिया जाए अपने चंद फ़ायदों के लिए? देखिए बात यह है कि वसीयत का एक उसूल याद रखना चाहिए हमें, दो बातें यहाँ पर, एक मस्जिद के लिए जगह मुतय्यन करना और एक वसीयत। ठीक। पहली बात तो ये कि मस्जिद के लिए जगह मुतय्यन करने से वो जगह मस्जिद नहीं बनती जब तक कि वहाँ मस्जिद बनाकर उसको वक्फ ना कर दिया जाए, वो मस्जिद नहीं बनती। अगर एक आदमी की नीयत थी किसी जगह बनाने की और वो वहाँ किसी वजह से नहीं बना सका, किसी और जगह बनाए, तो इसमें कोई शरी तौर पर कोई हराम काम या कबाहत नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये मस्जिद के बारे में समझ लें। दूसरी बात है कि वसीयत का उसूल ये है कि एक आदमी को शरीयत ने इख्तियार दिया है कि वो अपनी कुल जायदाद का एक तिहाई, यानी आजकल की ज़बान में 33.33% तक जो है वो वसीयत कर सकता है, और वो वसीयत किसी एक ख़ास चीज़ में नहीं होगी, पूरे माल में नाफिज होगी। ठीक। लिहाजा अगर इनके वरसा ये समझते हैं कि कोई दूसरी जगह ऐसी है जो कि जहाँ पर मस्जिद बनने में कोई हर्ज नहीं है, वहाँ पर भी नमाजी आएंगे, तो आपस की रजामंदी से उन्होंने इस वसीयत को नाफिज करना है सिर्फ 33% तक। अच्छा। और उस 33% तक की मकदार में वो जाकर इस वसीयत को नाफिज कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी जगह बनाई जाए, किसी और जगह बनाई जा सकती है। वालिद की अगर ख्वाहिश थी और वो ज़िंदगी में उस जगह पर मस्जिद का अगर कोई हिस्सा बना कर चले जाते फिर तो इसका तब्दील करना मुमकिन नहीं था, लेकिन चूंकि उन्होंने मस्जिद बनाई नहीं, सिर्फ एक ख्वाहिश का इजहार किया, तो अगर औलाद उनकी ख्वाहिश का एहतराम करती है और वो ये समझती है कि हमें कर लेना चाहिए तो ठीक है, शरण ये भी जायज़ है, लेकिन अगर औलाद ये समझती है कि ये जगह जो है वो निस्बतन हमारे लिए ज़्यादा कारामद है और हम ज़्यादा इसको बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह की या इससे थोड़ी ज़्यादा जगह हम फला जगह मस्जिद बनवा देते हैं, एक से ज़्यादा बनवा देते हैं, दो बनवा देते हैं, तो फिर वो कर लेना चाहिए, उसमें भी शरण कोई हर्ज नहीं है। तो वसीयत नाफिज होगी 33% में, अगर ये ज़मीन इतनी कीमती है कि 33% से ज़्यादा है तो फिर यहाँ पर मस्जिद नहीं बन सकती, इसलिए कि वसीयत 33% से ज़्यादा में नाफिज उनकी नहीं होगी। ठीक। लिहाजा इसीलिए देख लें, अगर वो समझते हैं उन सब की खुशी है कि यहीं बनाएं तो भी ठीक है, और अगर उनकी खुशी ये है कि यहाँ के बजाय किसी और जगह बनाएं, लेकिन अगर मस्जिद बनाएंगे वो तो फिर उसकी भी गुंजाइश है, शरण इजाज़त है, उसकी गुंजाइश है, शरण इजाज़त है। बिल्कुल। लेकिन वालिद साहब की वसीयत और उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए जो जगह वालिद साहब ने मखसूस की मस्जिद के लिए, अगर वहीं बना दें तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसमें भी शर्त यह है कि उसकी मालियत 1/3 से नीचे होनी चाहिए। इस चीज़ के बारे में ज़रूर जहन में हमें मसला रखना चाहिए कि बाद दफ़ा एक किसी का ख्याल होता है कि मैं फला जगह मस्जिद बनाऊँ, किसी बुज़ुर्ग का ख्याल था और उनका इंतकाल हो जाता है, 10 साल 15 साल 20 साल बाद उस इलाके की
की ज़रूरियात बदल गईं और वहाँ पर मस्जिद नहीं तामीर हुई थी, तो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर तामीर करने में शरण कोई मज़ायका नहीं है। हाँ, अगर मस्जिद बन चुकी थी या ये कि वहाँ पर उन्होंने जगह मुतय्यन करके वक्फ कर दी और वहाँ पर नमाज शुरू हो गई थी, फिर उस जगह को नहीं बदला जा सकता। एक बार अगर मस्जिद बन गई फिर तो नहीं बदला जा सकता, कयामत तक के लिए मस्जिद होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अलबत्त सिर्फ ये है कि अगर वो कोई एक आम रास्ते में अगर आ जाती है, फर्ज करें एक उस तरह का है, तो फिर उसके लिए बाद उलमा ने इजाज़त दी है कि उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह मस्जिद बना दी जाए और उसको एक उसमें इस्तेमाल कर लिया जाए। इस तरह की कुछ तफसीलात हैं जो कि आज के हमारे मसले से मुताल्लिक तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक आम मसला उसूल यही ज़ाबता रखना चाहिए कि जगह को मस्जिद के लिए मुतय्यन कर देना कि यहाँ मस्जिद बननी चाहिए और वहाँ पर मस्जिद बना देना, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वाज़ह बात हो गई। एक सवाल आया है, बहुत ही अच्छा सवाल, और पहली मरतबा आया है। सुफ़ा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डीजी खान से आया है। किसी साहब या साहिबा ने अपना नाम नहीं लिखा। उनका सवाल यह है कि मौसम गर्मा की 3 माह छुट्टियां होती हैं और हम बच्चों से छुट्टियों की फ़ीस लेते हैं, क्या ये फ़ीस लेना हमारे लिए जायज़ है? देखिए, ये जो हम इस तरह की जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें हम पूरे साल का अक्त करते हैं, मिसाल के तौर पे स्कूल है, अब स्कूल के अंदर आपका सालाना दाखला होता है कि जी मिसाल के तौर पे अप्रैल के महीने से तालीम शुरू हो रही है, मिसाल के तौर पे जून जनवरी से शुरू हो रही है, ठीक, और ये एक साल के लिए है। अब इसकी फ़ीस लेने के 2 तरीके मुमकिन हैं। एक तरीका तो ये है कि ये जो जून जुलाई की जो छुट्टियाँ आती हैं और दिसंबर की छुट्टियाँ आती हैं, ये ऐलान कर दें कि इन महीने की हम फ़ीस नहीं लेंगे, लेकिन इन महीनों की फ़ीसें जो हैं उसके बकदर रकम हम उन महीनों में इजाफा करके लेंगे जिन महीनों में हम फीसें लेते हैं। मिसाल के तौर पे जून जुलाई में अगर स्कूल नहीं है तो जून जुलाई की फ़ीस तो हम नहीं लेंगे, लेकिन बाकी जो महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई है और आगे अगस्त सितंबर है, उनके अंदर इन फीस को हम शामिल करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो मुलाजमीन स्कूल के होते हैं, जो चौकीदार होते हैं, जो असातिज़ा होते हैं, तनख्वाह उनको भी जाती है, उनको तो हम ये नहीं कह सकते कि 2 महीने तुम तनख्वाह ना लो। तो इस वजह से एक निज़ाम के तहत अगर ये पहले से बता रहे हैं कि जिन महीनों में हम आपको पढ़ाई नहीं करा रहे, उन महीने में आपका पूरा एक सेटअप हमारे पास लगा हुआ है, पूरा स्कूल मौजूद है, उसका फर्नीचर मौजूद है, उसके अफराद मौजूद हैं, इस वजह से हम आपसे जो फीस ले रहे हैं वो सालाना एक साथ भी ले सकते हैं, 12 महीनों पर तकसीम करके ले लेते हैं आपकी सहूलत के लिए, तो 12 महीनों पर तकसीम करके हम ले रहे हैं। ज्यादा उनमें वो महीने भी आ रहे हैं जिन महीने में आपके बच्चे हमारे स्कूल नहीं आएंगे, वो महीने भी आ रहे हैं कि जिसमें हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वो दाखिला बरकरार है, ताल्लुक है, लिहाजा हम उसकी फीस लेने का इस्तेहकाक रखते हैं। तो अगर एक साल के अंदर जितने महीने भी आ रहे होते हैं उसके अंदर, बाद स्कूलों ने इस तजुर्बे को भी किया लेकिन उससे मुश्किलात हुई वालिदैन को, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साल की फीस जो है हमारी, मिसाल के तौर पे अगर हम एक बच्चे की सालाना आपसे लेते हैं 5,000 रुपए, तो ये हमारे साल के बने 60,000 रुपए, तो आप ऐसा करें कि आप 5 के बजाय 6,000 रुपए दें और सिर्फ 10 महीने आप फीस दें। तो लोगों पर ये चीज भारी हो गई, उन्होंने कहा जी बच्चे की फीस हम 5,000 मुश्किल से निकालते हैं, किसी के अगर 3 बच्चे हैं तो उसके महीने में 3,000 रुपए इजाफी हो जाते हैं उसके, तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप जून जुलाई में लें। तो ये सिर्फ एक फीस लेने का तरीका है, इसमें शरण कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पहले से लोगों को मालूम होता है, बता देते हैं आप कि साल की फीस हम 12 हिस्सों में लेंगे, जिन महीनों में आपके बच्चे हमारे स्कूल नहीं भी आ रहे होंगे उन महीनों में भी हम फीस लेंगे, क्योंकि हमारे साथ साथ भी हैं, सब हैं, इस वजह से लेने का हक है। तो शरण इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है, पहले से सबको मालूम है, और ये सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में 1-2 स्कूलों में लिया जा रहा है, पूरे जमीन रुए जमीन पर जो स्कूलों का निज़ाम है जहाँ पर छुट्टियाँ होती हैं वहाँ पर अमूमी तौर पर यही तरीका राइज है और मारूफ तरीका है, इसमें कोई किसी पर कोई जैसे कहते हैं कोई पोशीदा और मुबहम बात भी नहीं है, लिहाजा शरण इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है, बात वाजे होनी चाहिए और वो लेने देने में फिर शरण हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अगला सवाल है ये नईमुर रहमान साहब का एबटाबाद से, वो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि मुफ्ती साहब, बाज़ लोग अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में अल्लाह मियाँ और अल्लाह साहब कहते हैं, क्या अल्लाह ताला के नाम के साथ मियाँ और साहब का लाहिका इस्तेमाल करना दुरुस्त है? देखिए, ये मियाँ का लफ्ज़ हो या साहिब का लफ्ज़ हो या जैसे हमारे यहाँ सिंध में अल्लाह साईं भी बोलते हैं, तो ये सारे जो अल्फाज हैं ये एक ताज़ीम के लिए लफ्ज़ लगाए जाते हैं। बरसग़ीर हिंदो पाक में अल्लाह मियाँ बोलने का रिवाज बहुत रहा है, अभी भी बोला जाता है। अल्लाह साहब कहीं बोलने का रिवाज है तो
ये अल्फाज ताज़ीम के लिए हैं और अल्लाह ताला के साथ इनको जिस माशरे में जो अल्फाज ताज़ीम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हों उसको बोलने में कोई हर्ज नहीं है, वो वहाँ का उर्फ है। जैसे मैंने अभी मिसाल दी, सिंध के अंदर अगर आप अंदरून सिंध गांव देहात में चले जाएं या बल्कि शहरों में भी चले जाएं तो वहाँ लोग आम गुफ्तगू में अल्लाह साईं बोल देते हैं और साईं हमारे यहाँ जो सरदार को भी बोलते हैं। तो अगर उससे कोई शख्स ये मुराद लेने लगे तो वहाँ मुराद सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की अपने परवरदिगार की ताज़ीम होती है। तो ताज़ीम के लिए उस उर्फ उस माशरे में और वहाँ के उर्फ रिवाज में जो भी अल्फाज राइज हों, चाहे वो साहब के हों, चाहे मियाँ के हों, चाहे साईं के हों या इसके अलावा कोई और अल्फाज हों, उसके बोलने में शरण कोई हर्ज नहीं है, कोई शरण हर्ज नहीं है। राहिला साहिबा का सवाल है आपके लिए, बहुत अहम सवाल। वो ये पूछना चाह रही हैं आपसे कि आप अपने प्रोग्राम में बार बार कहते हैं कि एक मुसलमान दीन का नुमाइंदा होता है, हम ख्वातीन दीन की नुमाइंदा किस तरह बन सकती हैं? देखिए, ख्वातीन पर तो दीन की नुमाइंदा बनने का बोझ मर्दों के मुकाबले में इस वजह से ज़्यादा है कि खुसूसन वो ख्वातीन जिन्हें शादीशुदा साहिब औलाद होती हैं कि उन्होंने पूरी नस्ल को तामीर करना है। ठीक, नुमाइंदगी से यहाँ पे क्या मुराद है? नुमाइंदगी से मुराद ये है कि कोई भी शख्स अपने कौल में, अपने फेल में, अपने तरीक़ेकार में, अपने लोगों के साथ मामलात के अंदर दीन के पैगाम को पहुंचाने वाला बने। दीन के पैगाम को पहुंचाने का मफहूम ये नहीं होता कि आप लोगों से कि अल्लाह की तरफ आओ, जबान से ये अल्फाज इस्तेमाल करें। ठीक, आपके कौल का, आपके फेल का तासुर लोगों पर ये जाए कि ये आदमी कितना अच्छा आदमी है या इसके तौर तरीक कितने उम्दा हैं कि इसके तौर तरीक अपनाने चाहिए। अच्छी बात लोग देखते हैं तो अपनाते हैं। तो इंसान का जब कौल फेल और उसका जो अमल है, उसके जो किरदार है, उसकी जो जबान है, उससे जो आमाल सादिर होते हैं, जब वो इस किस्म के होंगे कि दूसरा आदमी उससे एक तरगीब लेता हो और उसको अपनाने की कोशिश करता हो, ये कहलाती है नुमाइंदगी। और यही मुराद है हर शख्स में कि उसका कौल फेल अमल ऐसा हो। आप ये देखें कि दुनिया की जो गालिब कौमें होती हैं तो दुनिया की गालिब कौमों की लोग नकल क्यों करते हैं? इसलिए कि वो अपनी तहजीब के नुमाइंदा होते हैं। हमारा मुतालबा मुसलमानों से ये है कि वो अपने दीन के, अपनी तहजीब के ऐसे नुमाइंदा बने कि लोग आपको देखकर नकल करें, और जब आपको देखकर लोग नकल करेंगे तो वो खैर की बात की नकल होगी। जब खैर की बात की नकल होगी तो आप उनको एक तरह से अमली दावत पहुंचा रहे हैं। जबान से भी दावत दी जाती है, अमल से भी दावत दी जाती है। और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन और जो सीरत अगर हम देखें तो वहाँ पर अमल की दावत ज़्यादा थी और कौल फेल कौल की दावत थी, लेकिन उसके मुकाबले में अमल की दावत बहुत हुआ करती थी। जबान से लोगों को बुलाया और अमल से वो चीज़ें करके दिखाएं कि लोग खुद मुतवज्जे होते थे। और यही वजह है कि अमल की दावत अगर आपकी कमज़ोर हो तो ज़बान की दावत कभी असर नहीं रखती, लेकिन अगर अमल की दावत मजबूत हो तो ज़बान की दावत न भी हो वो असर करती है। तो यहाँ नुमाइंदगी से मुराद ये है, और ये नुमाइंदगी ख्वातीन अपने ख्वातीन के हलकों में कर सकती हैं, ये नुमाइंदगी अपनी औलाद के साथ कर सकती हैं, ये नुमाइंदगी एक माशरे में कर सकती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे यहाँ तर्ज जो हमारी तर्ज बूदबाश है, हमारी माशरत है, उसके अंदर हमारे यहाँ आम तौर पर लोग ख़ानदानी निज़ाम के तहत रहते हैं, इसके अंदर बहुत सारी अखलाकी खराबियाँ नज़र आ रही होती हैं। लोग एक दूसरे के हकूक़ ज़ाया करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गीबतों का एक वो होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें होती हैं, और फिर साथ जो शादियां रिश्ते जो जोड़े जाते हैं इनमें बिना हक लोग एक दूसरे के, जिसे कहते हैं, टांग खींचने में लगे रहते हैं। सब चीज़ों की अगर आप मजमूई तौर पर आप जाकर निकाल कर देखें तो ये किरदार की खराबी है ना। ये किरदार की खराबी ख़त्म करने के लिए ख्वातीन क्या नहीं कर सकती? और ये बात हम अपने इन सारे प्रोग्रामों से, ये बात अल इतलाक़ हमेशा हम ये पैगाम देते हैं कि देखिए, दीन को इबादत तक महदूद करना ये इस दौर की उन चंद बड़ी गलतियों में से है जिसको लोग दीन समझ के कर रहे हैं। दीन को इबादत तक महदूद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अगर आपका फेल सही ना हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात इरशाद फरमाई कि इंसान अपने परवरदिगार के आगे हाथ फैलाकर पुकार रहा होता है, ए रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब, लेकिन उसकी बात कैसे सुनी जाए, उसका खाना पीना पहनना उड़ना सब हराम। इससे हमें सबक मिलता है कि अगर हमारी इबादत तो बहुत अहसन हो और हम इसी तरह दुहाइयाँ दे दे के परवरदिगार को पुकारते हों, लेकिन हमारे दूसरे काम ऐसे हों जिससे हमने किसी का हक मारा है, किसी को तकलीफ़ पहुँचाई है, और ज़रूरी नहीं कि हम किसी का हक मारें तो पैसे ही लें, अपने कौल फेल से तकलीफ़ पहुँचाई, उसको हमने नीचा दिखाने की कोशिशें की, और जिस तरह के हमारे ख़ानदानी निज़ाम में बहुत कुछ होता है, ख़वातीन के हलकों में एक दूसरे का सास बहू के रिश्ते हैं, नंद के रिश्ते हैं, कज़नों के रिश्ते हैं, पता नहीं क्या कुछ इसके अंदर जो ख़राब, इस निज़ाम को अपने किरदार से अहसन तरीके से लाना, लोगों को इस तरफ मुतवज्जे कराना कि भाई एक दूसरे की खामियां छुपाओ और एक दूसरे की खूबियां सामने लाओ, दरगुजर का माहौल हो जिसे हम कहते हैं, एक दूसरे की गीबत करने से बचें और हुस्न सलूक के साथ रहें, ये काम ख़वातीन अहसन तरीके से नहीं कर सकती, बहुत कर सकती हैं। और मैं समझता हूँ अगर ख़वातीन की तरफ से ये काम हो, जितने भी आप देखेंगे
اکثریت آپ کو جو خاندان میں لڑائیاں ملیں گی اس کے اثرات جو باہر تک آتے ہیں اس کے اندر خواتین بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں. شوہر کو تک کو اس بات کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھئی تم ان سب چیزوں کو چھوڑو اور یہ برداشت اور تحمل اور للہیت پیدا کرو. تو خواتین تو ایک بہت بڑا نمونہ عمل اپنے ماحول کے اندر بن سکتی ہیں, اپنی اولاد کے لیے بن سکتی ہیں. اولاد کو ایسی پرورش دینا, اس طریقے سے پروان چڑھانا کہ اس کے اندر للہیت ہو, اس کے اندر دین کی محبت ہو, اس کے اندر ملت کی محبت ہو, اس کے اندر وطن کی محبت ہو اور اس کے اندر عفو درگزر کی چیزیں ہوں, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خواتین ہی کریں گی. سبحان اللہ. مرد بھی کر, تو اس وجہ سے خواتین اگر یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی کردار ان سب اس پروگرام کے اندر جو گفتگو ہے وہ مرد کے حوالے سے بھی ہے اور ان کے کردار قرآن کریم میں اللہ نے واضح فرما دیا, ان المسلمین والمسلمات کی جو آیت اتاری ہے اس پارے میں تو صاف صاف فرما دیا اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے اجر رکھا ہے. جی. اور خواتین کے لیے اس معاملے میں اجر نسبتاً اس معاملے میں زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر تو صرف اتنی سی بات ہے, اگر وہ گھر گھرستی اپنی اچھی کرتی ہیں, پرورش اولاد کی اچھی رکھتی ہیں, اس دینی ماحول اور مزاج کو رکھتی ہیں, ان کی کامیابی کے لیے یہی بہت ہے. جی, خواہ ان کا کردار بیٹی کا ہو, ان کا کردار بہن کا ہو, ان کا کردار بیوی کا ہو, ماں کا ہو. ایک امتی بیٹی کیسی ہوتی ہے, ایک امتی بیوی کیسی ہوتی ہے, یا اس کو اور آگے بڑھا لیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک امتی بیٹی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, ایک امتی ماں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, بس اسی کردار کو لے کر آگے چلیں اور دین کا نمائندہ, بس یہی نمائندگی مراد, نمائندگی سے یہی چیز ہے کہ اپنے عمل کے اندر آپ وہ چیز ڈال لیں اور پھر وہ ایک معاشرہ قائم ہو جس کے اندر ایک جو ہے وہ خوش اسلوبی ہو, حسن سلوک ہو, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, ایک دوسرے کے لیے جسے کہتے ہیں کاٹ کرنا, اور ایک دوسرے کے رشتے ناطوں میں خلاف باتیں کرنا اور تحمل اور برداشت نہ کرنا, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت رچ بس گئی ہیں. ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے خواتین ایک بہت مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں, مردوں کو بھی کرنا چاہیے, خواتین کر سکتی ہیں. یہ کام وہ جب کریں گی تو وہ دین کی ایک نمائندہ ہوں گی, یہی نمائندگی ان سے مراد ہے. سبحان اللہ. پھر نسل کی تعمیر, ایسی بھرپور اور توانا نسل جس کا ظاہر بھی بہت اچھا اور جس کا باطن بھی بہت اچھا. ٹھیک ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب, سلمان کونین صاحب تشریف فرما ہے, کیوں نہ سلمان کونین صاحب سے ہم درخواست کریں ایک اور نعت عطا فرمائیں. سلمان کونین صاحب, جو نعت کہ ہے مصطفیٰ کا قرب ملے, جو نعت کہے کہ مجھے مصطفیٰ کا قرب ملے, وسیلہ نبی ہو خدا کا قرب ملے, وسیلہ عشق نبی ہو خدا کا قرب ملے, جو نعت کہے کہ مجھے مصطفیٰ کا قرب ملے, نظر کا زاویہ میں ہے دود ہے خدا کی قسم, نظر کا زاویہ میں ہے دود ہے خدا کی قسم, وگرنہ خاک کو کیوں کر سبا کا قرب ملے, وگرنہ خاک کو کیوں
سبا کا قرب ملے لکھوں جو نام نبی نور سا بکھر جائے جو نام نبی نور سا بکھر جائے کہ دل کی تیرا شبی کو ضیا کا قرب ملے کہ دل کی تیرا شبی کو ضیا کا قرب ملے خدا کرے زیارت ہو آپ کی مجھ کو خدا کرے کہ زیارت ہو آپ کی مجھ کو خدا کرے مجھے صلی اللہ کا قرب ملے خدا کرے کہ مجھے صلی اللہ کا قرب ملے مجھے تو چاند کی قسمت پہ رشک آتا ہے مجھے تو چاند کی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ جس کو شک کے کمر کی ادا کا قرب ملے کہ جس کو شک کے کمر کی ادا کا قرب ملے حقیر ہے سبھی الفاظ پر خدا جانے آ حقیر ہے سبھی الفاظ پر خدا جانے کہ کس ادا کو حبیب خدا کا قرب ملے کہ کس ادا کو حبیب خدا کا قرب ملے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ سلمان صاحب مفتی صاحب سوالات بہت سارے ہیں میرے پاس لیکن کچھ ویڈیو کوئسچنز میں چاہتا ہوں رکھوں آپ کی خدمت میں جناب والا پہلا سوال دکھائیے صرف میرا سوال یہ ہے کہ شہادت کی بنیاد پر انسان کو جنت مل سکتی ہے یا پھر اعمال جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں کہ آپ نے اچھے برے اعمال جیسے بھی کیے ہیں اس پر جنت ملے گی یا پھر جو ہے وہ آپ شہید ہوگا تو سیدھا جنت میں آپ جاؤ گے جی مفتی صاحب دیکھیے ہمیں جو حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کا جو مرتبہ ہے وہ ایسا مرتبہ ہے اس میں اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں
ठीक, अगर वो ईमान की हालत पे दुनिया से गया है तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत से मालूम होता है कि जब कोई शख्स मकरूज होता था, जिस पर कर्जा होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जनाजा पढ़ने से तामुल फरमाते थे ताकि लोगों पर अहमियत वाजे हो। ठीक, और ये बात भी एक रिवायत में मिलती है कि शहीद का हर गुनाह माफ़ हो जाता है, अलबत्ता जो कर्जे का बोझ है वो उस पर बरकरार रहता है। ठीक, तो असल में शहादत का मर्तबा इतना बड़ा है, कुरान करीम में जो अल्लाह ताला ने अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन रखे हैं, तो शहीद का दर्जा एक बहुत बड़ा दर्जा है। जब वो ये काम करता है ईमान की हालत में हो अगर वो, तो फिर उसके वो नामे अमाल में जो उसके गुनाह होते हैं अल्लाह ताला के इस अजीम अमल की वजह से उन गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो फिर ये जो सवाल इनका था कि एक शहीद है अगर कोई शख्स, तो उसने नेक अमाल भी किए हैं और बद अमाल भी किए हैं, तो फिर उसके नेक अमाल और बद अमाल का मामला क्या होगा? उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला इस बड़े अमल की बरकत से उसके वो गुनाह जो उसने कर रखे होंगे उनको अपने फजल से माफ़ कर देगा। तब उसके नामे अमाल के अंदर बदियाँ काम ख़त्म हो जाएंगी और उसके नामे अमाल में नेकियाँ रह जाएंगी। इस वजह से क़्यामत में उसके साथ अल्लाह ताला एक बड़ा मामला फरमाएंगे और जो भी हदीस में उसके फ़ज़ाइल आते हैं वो होंगे। तो ये इसकी एक सीधा सा जवाब है। और इसके अंदर जो और तफसीलात हैं फिर कि शहीद कौन कौन होते हैं, ठीक है, ज़ाहिर हमारे मौजू से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन इसका खुलासा ये है कि नेक और बुरे काम उसने भी कर रखे होंगे, लेकिन इस बड़े अमल की वजह से उस गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी जान देकर अल्लाह के अजमत के लिए, अल्लाह के लिए उसने अपनी जान दी, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जान दी, जिस तरह और अपनी जान को हकीर समझा, अपनी जान को हकीर समझा, तो इस वजह से जो है वो शख्स सही मानों में जिसे कहते हैं अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला हुआ, तो ये अमल इतना बड़ा है कि उसके गुनाह फिर माफ कर दिए जाते हैं, सिवाय कर्ज के, सिवाय कर्ज के। अगर वो मकरूज है तो कर्ज अगरचे गुनाह नहीं है, ठीक, लेकिन कर्ज एक बोझ है, तो लिहाजा ये बात रखी गई कि अगर उसका वो मकरूज है तो फिर उसका कर्ज अदा करना चाहिए। इससे मालूम ये होता है कि कर्जे का बोझ बरकरार रहता है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उसकी, जो उसके गुनाह होते हैं, वो सब वो अल्लाह ताला अपने फजल से माफ कर देता है। जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में अपने बारे में फरमा चुके हैं मैं यग़फिरुज़ ज़ुनूब इल्लल्लाह, कि गुनाहों की बख्शिश तो अल्लाह ही करता है। जी हाँ, और इंसान ने गुनाह जो किए होते हैं तो गुनाह किसे कहते हैं? हुकूकुल्लाह की पामाली को। अब जब अल्लाह ताला ने शहादत का मरतबा उसको देकर अपने हक की जो उसने पामाली की थी उसको माफ़ कर दिया, तो बंदे को क्या इख्तियार है उस पर कुछ बोले? वो तो उसकी मर्जी। अब उसने ये तय कर दिया कि अगर किसी ने मेरी राह में जान दी तो मैं इसके गुनाह माफ़ कर दूंगा। तो बस इस वजह से हम ये कहते हैं कि बस उस शख्स के गुनाह माफ़ हैं, वो अल्लाह ताला उसके साथ कयामत में बेहिसाब व किताब इंशाल्लाह मामला फरमाएगा। अब इसमें एक बात जरूर हमें जहन में रखनी चाहिए कि शहीद कौन होगा, क्या उसकी शहादत अल्लाह के यहाँ कबूल है या नहीं, ये सारे मामला इंसानी दायरे फिक्र से बाहर के हैं, ये तो खुदा जाने। हम ज़ाहरी चीज़ को देख कर हुक्म लगाते हैं, सिवाय इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद मौजूद थे तो आप पर तो वही से मालूम हो जाता था कि ये शख्स शहीद है या नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए हुक्म ये है कि हम देखेंगे एक शख्स हालत ईमान में अगर इस कैफियत से गुजर के वो दुनिया से गया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी, तो हम उस पर शहीद का हुक्म लगा देंगे और इसके बारे में यही बात कहेंगे कि ये बख्शा हुआ है। अब सिर्फ एक और बात भी मैं ऐसा करता चलूँ, मौजू जब छिड़ गया है कि हमारे यहाँ शहीद का लफ्ज़ जो है अब इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारे यहाँ बल्कि मुसलमान क्या गैर मुस्लिम भी शहीद कहने लगे, और आम तौर पे उससे मुराद होती है वो शख्स जो कि नाहक कत्ल किया जाए, जो शख्स नाहक कत्ल हो जाए, किसी हादसाती मौत में मर जाए, उसको भी हम शहीद कह देते हैं। इसलिए हम शहीद कहते हैं कि हमारा दीन हमें उसे शहीद बता रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे दीन ने तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें गिनवाई हैं कि जिसके अंदर शहादत है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अपने मखसूस ताल्लुक की वजह से, अपने मखसूस चाहे असबियत की वजह से भी अपने लोगों को शहीद कह देते हैं, दूसरों को शहीद कहने से तामुल करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो हमारी बहस नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स उन मेयारात के ऊपर पूरा उतरते हुए शहीद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, तो उसके गुनाह माफ़ होंगे और वो जन्नत में। बिल्कुल ठीक है, और यही हमारे नज़दीक वही कसौटी है, वही मेयार है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर एक हामिला औरत दौरान जचगी इंतकाल करती है तो वो शहीद के दर्जे, उसके लिए भी शहीद है। शहादत के लिए जो शख्स अपने जान और माल की हिफाजत करते हुए मारा जाए वो भी शहीद है। इस तरह कई लोगों को आग में जल के मरता है वो भी शहीद है, जो पानी में डूब के मरता है वो भी शहीद है, जो पेट की किसी तकलीफ की वजह से मरता है वो भी शहीद है। लेकिन आपने बहुत अहम नुक्ता ये उठाया कि इन तमाम शहादतें और ये फरमा रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मकरूज आपने उसे बोझ कहा कि ये बोझ है, ये मैं आपकी इजाजत से मैं एक जिम्मेदारी कहता हूँ कि ये एक जिम्मेदारी है जो वरसा पर आती है, जो फिर वरसा पे आती है कि अगर उसका माफ नहीं होता तो हम में से हर एक पर ये जिम्मेदारी बिल्कुल आयद होती है कि अगर हम मकरूज हैं तो मरने से पहले वो कर्जा
उतार कर चले जाएं। से पहले उतारें, और अगर हम कर्जा नहीं उतार सकते तो हम कम से कम तहरीरी तौर पे वरसा को मुत्तला करके जाएं कि यह हमारा कर्जा है, हम मर जाते हैं तो हमारी जायदाद में से इसको अदा किया जाए, या कर्जा देने वाले के पास जाके इसमें से कुल्ली तौर पे जुज़्वी तौर पे माफ कराया जाए। ठीक है, अच्छा, कर्जा लेने वाले के पास जाकर कुल्ली या जुज़्वी तौर पर माफ कराया जाए। जैसे आपने फरमाया, मैंने किसी फर्ज से कर्ज नहीं लिया, मैंने किसी इदारे से कर्ज लिया, मैंने बैंकों से कर्ज लिया और उसको मैंने माफ करा दिया, हालांकि जो बैंकों के पास पैसा होता है वो पूरी कौम का पैसा होता है, अगर मैंने वो अदा नहीं किया और मैं मर गया तो क्या इसकी भी बात पुलिस होगी? देखिए, बैंकों से जो कर्ज माफ कराया जाता है उसका एक सीधा सा प्रोसीजर है। अगर एक शख्स ने बैंक से कर्जा लिया और वो माली तौर पे बिल्कुल इस हालत को पहुंच चुका है कि उसके पास कुछ नहीं है, बैंक करप्ट हो गया, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो वो शख्स बैंक में जाके दरखास्त देता है कि भाई मेरा कर्जा माफ कर दिया जाए। बैंक उसके हालात को देखते हुए कर्जा माफ करते हैं और वो कर्जा माफ किया जाएगा उन लोगों के मालिकान के पैसे में से। लेकिन हमारे यहाँ जो कर्जे माफ कराने की रविश चली है कि कर्जा लेने के बाद हमारी जायदादें होती हैं वो अपनी बीवी के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी और बैंक से किसी तरह से भी माफ करा लिया, ये एक बदतरीन कौमी जुर्म है। और ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इसमें एक आदमी का नहीं पूरी कौम का हक वाबस्ता होता है। पूरी कौम का हक, इस चीज से कौम का हक वाबस्ता हो उसकी माफी तलाफी। आप सोचें कि जब कुरान करीम फरमाता है कि जब क़यामत के दिन इंसान अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी बीवी को, बच्चों को देख के भागेगा तो वहां पे कौम के छोड़ देगी, तो एक आदमी को अगर एक इतनी सी भी नेकी मिलती होगी तो वो तो अल्लाह के आगे पहुंचेगा, परवरदिगार इस शख्स की तरफ मेरा हक निकलता है, मुझे तो इस वक्त जहन्नम और जन्नत का फैसला है, मुझे तो चाहिए बस इसके पास से तो कुछ भी लेके दे। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है कि वो शख्स कौन, शख्स सहाबा इकराम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़ फरमाया कि फकीर कौन है, उन्होंने या रसूलल्लाह हमें तो हम समझते हैं इसके पास माल ना हो, आप फरमाया फकीर तो वो है जो क़यामत के दिन इतनी नेकियां लेकर आए लेकिन उसने किसी का हक मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी से लड़ा होगा, फिर अल्लाह ताला जब वहाँ तस्वीर फरमाएंगे तो पहले उसकी नेकियां बांटी जाएंगी लोगों को, नेकियां खत्म हो जाएंगी तो लोगों के गुनाह इस पर लादे जाएंगे। तो मनफी यहाँ से लेकर गया था मुस्बत अपना, जिसे कहते हैं वो पॉजिटिव बैलेंस लेकर गया और वहाँ नेगेटिव हो गया। तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए और ख़ासतौर पर उन लोगों को जिनको अल्लाह ने दे रखा है, और ख़ासतौर पर ये सोचना चाहिए कि दुनिया में हमें दो रोटियाँ ही खा के जाना है। अगर अल्लाह ने हमें इतनी किफायत दे दी है कि जिससे हमारी जिंदगी आफियत के साथ बसर हो सकती है तो हविस में अपने लिए जमा करना और अब ये सोचकर जमा करना कि मेरी औलाद के काम आएगा, तो दर हकीकत अगर आप हराम जमा कर रहे हैं तो दूसरों की दुनिया के लिए अपनी आखरत बर्बाद कर रहे हैं। इससे बड़ा खसारे का सौदा क्या हो सकता है? दूसरे के खजाने की चौकीदारी कर रहे हैं, दूसरे की दुनिया के लिए अपनी आखरत बर्बाद करें, इससे बड़ा घाटे का सौदा कोई नहीं है। तो इस वजह से इन चीजों को सोचना चाहिए और ये बैंकों से कर्जे माफ कराकर अपनी जायदाद को संभाल के रखना बदतरीन जुर्म है, बददियानती भी है। और मैं कहता हूँ कि ये बात इस चीज को लिहाज से अगर हम देखें कि नहायत ही पस्त दर्जे का जुर्म है, यानी जिसे कहते हैं ना जुर्म के अंदर भी कुछ अदना आला दर्जे की इंतहाई पस्त दर्जे का जुर्म है, जैसे कब्र से मुर्दा निकालना और इस किस्म के जो जुर्म समझे जाते हैं नहायत ही घटिया जुर्म, तो ये भी एक घटिया जुर्म है लेकिन करते हैं इसको ताकतवर लोग। और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब दुनिया में कोई ताकतवर इतना ताकतवर हो कि उसके मुकाबले में कोई मुहासबा न करने वाला हो तो उसको डरना चाहिए। हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के खादिम थे, वो कहते थे कि हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ को मैंने देखा अंधेरे में वो चिराग बन करके रो रहे हैं, मैंने पूछा कि आप किस बात पर रोते हैं, आपने तो दुनिया को अदल से भर दिया है। तो फरमाने लगे कि असल में बात यह है कि मैं सोचता हूँ कि मुझसे मुहासबा करने वाला इस वक्त कोई भी नहीं है, तो मुझे ये खौफ होता है कि अब मुझसे मुहासबा करने वाली सिर्फ एक जात है और वो अल्लाह की है। मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, लोगों के मुहासबे करता रहता हूँ, तो यहाँ लोगों का मामला यही निमट जाता है। मेरा मामला यहाँ पे मुहासबा करने वाला कोई नहीं है तो मेरा मामला बराह रास्त खुदा से हो जाता है। और मुझे खौफ आता है कि जब वो मुहासबा करेगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा। दुनिया में तो हम जब किसी के साथ तस्फिया कर लेते हैं तो कम से कम एक बात रखने को जाती है कि परवरदिगार मैंने इसके साथ नाइंसाफी की थी, मगर दुनिया में मैं तस्फिया करके आ गया हूँ तो चलो अल्लाह भी माफ कर देता है, हदीस शरीफ में भी आता है। लेकिन जब कोई नहीं, तो हमारे यहाँ जो अहले इक्तदार जो ताकतवर लोग हैं, जरूरी नहीं अहले इक्तदार ही हों, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं है इक्तदार में लेकिन अल्लाह ने उनको कोई दूसरी ताकत दे रखी, वो भी ये करते हैं। ये जरूर सोचें और औलाद को तलकीन करके जाएं कि लोगों के हक अपने साथ लगा के मत आना, इससे बदतरीन जुर्म कायनात में कोई नहीं हो सकता कि क़यामत के दिन आप पहुंचे। और हदीस शरीफ में उस शख्स को मुफलिस तरीन कहा गया है जो क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हाजिर हो और लोगों के हक उसके साथ अटके हुए हों, इसलिए कि लोग वहां पर जब कुरान करीम ये तय कर चुका है यौम यफिरुल मरु मिन अखी, तो हमें इस पे ईमान रखना चाहिए कि आज जिसको देखकर हम, अगर हमारा बेटा अगर गिर रहा हो चूल्हे में उसमें, तो इंसान औलाद को बचाता है, अपने आप को जलाता है। वो क़यामत का दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन इंसान, अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ وہ صاحبت ہی و بنی اپنی بیوی کو دیکھ کے، بچے کو دیکھ کے، باپ کو دیکھ کے، ماں کو دیکھ کے، سب کو بھاگے گا، اور ایسی انسان کو اپنی پڑی ہوگی لِکُلِّ امرئٍ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِی، ڈرنا چاہیے اس دن سے. اور یہ جو ہم نے لوٹ کھسوٹ کر رکھی ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف 40-50 سال ہیں ہماری زندگی کے، شعوری زندگی کے جی. اس کے بعد کیا ہے معلوم ہے کہ کتنے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، قرآن کریم میں اللہ کہہ چکا ہے تو اس وقت تک جب تک آسمان و زمین باقی ہیں اس سے بھی بڑی مدت تک وہ رہیں گے، اگر جنت میں ہے تو جنت میں اور جہنم میں ہے تو جہنم میں. سبحان یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دنیا سے آدمی ایسے جائے کہ کسی کا حق دینا باقی نہ ہو، بالکل ایسے اور بالکل ایک اطمینان کے ساتھ دنیا سے روانہ ہو. میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار مفتی صاحب آپ کا. آج بھی ہم نے آپ سے حزب روایت بہت سیکھا. خواتین وزرات، وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا. ابھی ہمیں کلام اقبال بھی سننا ہے محترم سلمان کونین صاحب سے. آپ کو معلوم ہے کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرتا ہے. سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرتا ہے. خواتین حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجئے، اور کلام اقبال کے لیے محترم سلمان کونین صاحب. وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، وہ ہر ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، اللہ اکبر. ستارہ کیا میری تقدیر خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں، وہ حرف راز کے عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی اپنے آپ میں نہ رہوں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں، وہ
सबक मिला है मुझे, सबक मिला है ये मेरा जे मुस्तफा से मुझे, सबक मिला है ये मेरा